घर प्राचीन पद्धति से बेत, बैम्बू और देवदार के लकड़े से बना था। इस लकड़े की विशेषता यह है कि यह जल संयोग से जर्जर नहीं होता, किंतु अब यह घर बनाने की कला लुप्त हो चली है और धीरे धीरे ग्रामवासी सीमेंट एवं एल्यूमिनियम का प्रयोग कर घर बनाते हैं। चाचा जी से हमने वार्तालाप कर यहाँ की संस्कृति एवं विशेषतः यहाँ केन या बेत से बनाए जाने वाले दृढ़ बास्केट्स एवं हैंडीक्राफ्ट्स के विषय ज्ञान अर्जन करने का प्रयास किया। नाम तो ये कलसुंदर जी होते हैं, कलसुंदर जी, और यहीं पैदा हो गया, यहीं अभी गुजर रहे हैं, बुरा हो गया अभी। हिलिंग गाँव तो हम याद होने तक अभी देखिए 58 हो गया। हम सब हमारा आगे में उन लोग माता पिता लोग कितना कितना साल से यहाँ में बैठे हैं वो तो हम बोल नहीं सकेगा, बहुत पुराना है गाँव। 1962 में उसमें हम ये पैदा हो गया, मतलब छोटा था उसमें, हम माता पिताजी लोग बुक के यहाँ से बाग के जाते समय बुक के ले गया वाला बोलता है, हम याद नहीं होता है उसमें, याद नहीं है। उस समय में हमारा अभी घर बनाने आया तब वो लोग आके हमारा मदद करेगा, तब उनका भी बनेगा, हम जाके मदद करेगा, पाला पाली से करके बनाता था। अभी जो है अभी थोड़ा ये हो गया कि नया मॉडल सिस्टम बना रहा है ना, उसमें अभी मिस्त्री लगा रहा है, देखिए अभी उधर में एक अभी घर बना रहा है, वो मिस्त्री लगा के तब ये पैसा देखिए बना रहे हम लोग। अभी हम लोग तो अभी ये पैसा वैसा नहीं है, जैसे पहले पुराना घर है ऐसे बैठ जाता है, सोचता है बाद में बनेगा बोल के, होता नहीं है कोई। हम लोग ये ऐसे पैसा वैसा दे के नहीं बनाता है पहले, और हम उनका भी मदद करेगा और हमको भी उनकी मदद करेगा, थोड़ा ये खाना उना ये बना के उसको खिला देता है। वैसे हम लोग बेचने के लिए इतना ये दान उन नहीं मिलते ना, यहाँ ये पहाड़ी इलाका है, ये पानी खेती बनाने की जगह है ही नहीं, थोड़ा बहुत पानी खेती ऐसे पानी जगह में बनाने से बारिश ज़्यादा होता है वो लैंडस्लाइड हो जाता है, पूरा ये खेती को वो लैंडस्लाइड से ये बर्बाद कर देता है। ऐसा बोला हमारा अब देखा होगा ये आते समय हमारा यहाँ शायद में पहाड़ी घर में ये खेती ज़्यादा नहीं है, जो थोड़ा थोड़ा है उसको हम लोग साल भर में नहीं पूछ रहे, थोड़ा इधर उधर से हम लोग हजर वजर मार के ये दुकान से टूटिंग से ऐसे खरीद करके खा लेते हैं। यहाँ में हमारा जो ये मोरो बोलते हैं ना कद्दू, कद्दू होता है और मकई होता है और धान भी होता है खाने के लिए। हमारा जो मुरुआ है अभी जो बोला ना कद्दू, ये मुरुआ हुआ और मकई पीस के वो मुरुआ का दाना निकाल के बॉयल करके तब हम लोग इसमें एक ये दवाई होता है इसका मेडिसिन डाल के, तो उसी से हम लोग काम चलता था। आजकल तो अभी ये उधर से दारू आता है, दारू पीने मिल जाता है, निशा का चीज़। तो अब तो कोई छांग बनाता नहीं है फिर कोई अभी यहाँ पे है। बनाते हैं छांग और उसमें फाप डालते हैं ना, फाप बोलते हैं, फाप डालते हैं डालते हैं। हाँ, हमारा जो ये नया साल लोसर बोल के आता है वो लोसर मानता है और पाठ पूजा होता है हमारा गुम्बा में, ऐसे डुब्बा पूजा ऐसे होती ना, और हम लोग महीना महीने में उसमें ये पूजा होता है गुम्बा में फेस्टिवल, वो लोसर बोल के हमारा लोसर का दो एक लास्ट ईयर ये साल जाने के समय में 12 माह उसको मान के हम लोग ये बेच देता है साल को, और ये नया आने के समय में हम लोग इन्वेस्ट करता है वो लोसर होता है। आप ये ड्रेस को आप क्या बोलते हैं? हम छुपा बोलता है, छुपा। हाँ, और ये किससे बनता है ड्रेस? ये ड्रेस हाँ हाँ, अभी हम वो अपना से काम करके नहीं बनता है। हाँ, पहले जमाने में हमारे माता पिता लोग जो ऊन होता है ना, ऊन हाँ, जो बकरे का, हाँ, हाँ, वो ऊन से खेती करके ऊन से धागा बना के तब वो पिनता था बोला है कि हमारा समय में तो अभी इंडिया से ऐसा खरीदने मिला, अच्छा, इसलिए वो खरीदा वाला है। तो साल में एक कपड़ा भी मुश्किल से मिलता है, वही पहनेगा, वही सूते समय वही बिछाएगा उड़ेगा, ऐसा वाला एक बना वाला, आधा बिछाएगा आधा उड़ेगा, तब मुर्गी चलेगा उठेगा खाना बनेगा खेती जाएगा, ऐसा था।
ये भी हम लोग बचा के रखता है फंक्शन फंक्शन में पहनने के लिए, वरना गरीब आदमी है तो इसलिए बचा के रखता है। अभी बक्सा से निकल के ये अभी ये बेड जो है ना, ये आप लंबा बेड आपने देखा है, हम लोग बहुत लंबा खींच के लेके आता है। इसको ऐसा करके मतलब ना ज्वाइन होता है, मतलब हम लोग आप ये क्या बोलते दो से काट दिया ना, ऐसा करके बहुत लंबा बहुत लंबा दो से काट के लेके आता है। ये गाठी को ऐसा साफ करता है, इसको ऐसा साफ करके तब इसके बाद फटता है, फट के चार बाग बनाता है। चार बाग बनाने से इतना इतना बड़ा हो जाता है ना, इतना इतना बड़ा हो जाता है। तब इसके बाद में भी उसको दो फला करता है, ऐसा करके दो फला ऐसे। दो फला करके तब इसके बाद में ऐसे निकल जाता है, इसको छिलता है ऐसा बोल के, ऐसे छिल के ऐसा बोल के बहुत तकलीफ होते बड़ा। तब ऐसा करके हम लोग ये मोटी बना के रखेगा, तब इसके बाद में बुनता है। बुनने से हम लोग शुरू में ऐसा करके ये प्लस करके ऐसा करके बन जाता है, कभी भी निकल नहीं जाएगा इसे, उसको आपका चेकअप करने से भी वापस जगह में आ जाएगा। ये लबर जैसे है, कितना भी वजन डालो आप यहीं बारिश में थप के रखा है सड़ जाएगी, बारिश में नहीं थपने, बारिश में भी खराब नहीं होता। बारिश में आपका ज़्यादा दिन उधर में बाहर में रख देगा सड़ जाएगा, सड़ जाएगा, तो उसको बारिश में बचा के रखना है। बचाना है आपका बिक गया ना तब आप उसमें ये नहीं नहीं वो अभी तो नया है, कभी भी नहीं सड़ेगा। अभी जो ये पुराना हो गया ना, पुराना होने के बाद अभी ये बारिश में भीगा कि नहीं रखना है, मतलब अब सूखा जगह में। पर ये पूरा बास्केट बनने को कितना समय लग जाता है? वो तो दिन भर लग जाता है, दिन भर उसको बुनने के लिए दिन भर लग जाता है, छीलने के लिए भी दिन भर लग जाता है, लेने के लिए आपका पहाड़ में जाके दिन भर में लेके आता है। ज्ञान अर्जन उपरांत हमने चाचा जी से इनकी बनाई हुई बास्केट खरीद ली। यह केन बास्केट्स आपको बाजार में न्यूनतम 2000 से 3000 रुपए तक प्राप्त होते हैं, जो प्रायः बैम्बू से बने बास्केट से अधिक मूल्य के हैं। इसका कारण है इनमें पर्याप्त सूक्ष्म कलाकृति एवं दुर्लभ केन प्रजाति का प्रयोग, जो ऊंचे कठिन पहाड़ियों से प्राप्त करनी पड़ती है। दर्शक ये ज्ञात रखे कि अब अरुणाचल के ग्रामों में भी केन कलाकृति लुप्त हो चली है। यह कला ग्राम के कुछ वृद्ध गणों के पास ही है और इसे नूतन पीढ़ी ने आत्मसत नहीं किया है। नूतन पीढ़ी अब बाजार में बने प्लास्टिक के बैग्स अथवा केन बैग के प्लास्टिक पर्याय उपयोग करती है। यह अत्यंत दुखद है।